हम जब भी कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं या हम अपना कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो एक वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, दैट इज मॉडल। तो बेसिकली हमने ये देखना है इस वीडियो में कि मॉडल होता क्या है, मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में किस तरह यूज होते हैं, हम किस तरीके से देख सकते हैं। बेसिकली हम इसमें एक इंट्रोडक्शन देंगे कि मॉडल होता क्या है इन इटसेल्फ। सो माय नेम इज अब्दुल रहीम और आज हम मॉडल को पढ़ने वाले हैं। ओके, हम बचपन में जब किसी किसी खिलौने की दुकान पर जाते थे तो अक्सर उनमें गाड़ियों के मॉडल रखे होते थे। फॉर एग्जांपल कोई RX-8 कार है, ठीक है, या कोई भी कार हो गई, उसका उन्होंने छोटा सा मॉडल लिखा बनाया होता था, उसका कोई छोटा सा मॉडल रखा होता था, या फिर ये कि कोई एयरोप्लेन है उसका उन्होंने कोई मॉडल रखा होता था। इसी तरह इसके अलावा अगर हम टीवीओ पे देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, वो कपड़ों की नुमाइश करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की नुमाइश करते हैं वो। तो मॉडल का जो वर्ड है ना, ये मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पे मुख्तलिफ मीनिंग रखते हैं। कहीं पे ये क्या किस तौर पे इस्तेमाल होता है, कहीं पे खिलौने का मॉडल हो जाता है, कहीं पे ह्यूमन मॉडल के तौर पे यूज हो रहा होता है। तो ये अपने सिनेरियो बेस पे चेंज होता है। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल पे, कि मैथमेटिकल मॉडल होता क्या है, ये किस लिए यूज होता है। तो आपको एक बड़ी बेसिक सी एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे। सपोज हमारे पास यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे माउस वेट है और वाई एक्सिस पे माउस का साइज है। तो अब आप इस ग्राफ को थोड़ा सा देखें, तो अगर आप इसका अपर पोर्शन देखें, लेकिन अपर पोर्शन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ग्राफ है बेसिकली हमें रिलेशन बता रहा है कि माउस के वेट और उसके साइज का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो मॉडल का काम यही होता है कि हमें कोई कोरिलेशन बताता है कि क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आप यहाँ पे, मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखें एक रेड बॉक्स है, ठीक है। इस रेड बॉक्स को अगर आप थोड़ा और से देखें तो ये माउस वेट यहाँ पर ज्यादा है, मतलब इधर माउस वेट कम है, इधर दरमियाना, इधर ज्यादा है, ठीक है। तो जहां पर माउस का वेट ज्यादा है वहां पर माउस का साइज भी ज्यादा हुआ होगा। तो मतलब माउस के वेट ज्यादा है और साइज भी ज्यादा है। और अगर आप यहाँ पे देखें, इस जगह पे माउस का वेट भी कम है, माउस का वेट कम है और साथ में माउस का साइज भी छोटा है। तो यानी इनके दरमियान हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माउस का वेट बढ़ रहा है, उसका साइज भी बढ़ रहा है, तो दोनों आपस में इकट्ठे बढ़ रहे हैं, इसलिए इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव किस्म का है। तो मॉडल बेसिकली हमें कोरिलेशन बताता है कि क्या कोरिलेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसके अलावा हमारे पास जो मैथमेटिकल मॉडल होते हैं वो इक्वेशन से भी आते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन से जो आते हैं, अब यहाँ पर देखें जो इक्वेशन लिखी हुई, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो परेशान ना हो, बड़ी सिंपल सी है। बेसिकली लिखा है माउस साइज इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय माउस वेट, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, ये बड़ा सिंपल है। आप देखें ये जो पहली वैल्यू है 0.1, ये वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, यानी कि आपकी वैल्यू वाई पे, वाई एक्सिस पे कहाँ पे लग रही है। अगर आप देखें, अच्छा अगर आप इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे 0.1 है, ठीक है, इस ये वाई इंटरसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि आपकी वाई की वैल्यू कहाँ पे लग रही है। सपोज अगर ये यहाँ पे जीरो लिखा हुआ होता ना तो ये लाइन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 0.1, तो ये मैंने थोड़ा सा ऊपर शो किया ताकि आपको पता चले कि मतलब जीरो से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये लाइन यहाँ पे शो हुई है। और ये 0.8 का क्या मतलब है कि आपके ग्राफ का ट्रेंड क्या है। मिसाल तौर पे एक यूनिट बढ़ने से आपका 0.8 ऊपर चढ़ रहा है। अगर आपको अब भी समझ नहीं आई तो परेशान ना हो, मैंने एक बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल यहाँ पे रखी है, ये देखें। इसको आप देखें, ये भी माउस साइज और माउस वेट बता रहा है। अगर यहाँ पे सपोज देखें जीरो है, तो ये जीरो है तो वाई इंटरसेप्ट बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये अगर यहाँ पे सपोज टू है तो ये 1-2 सेकेंड लाइन से स्टार्ट होगा। अगर ये 10 है तो यही कहीं से स्टार्ट होगा, मतलब 10 पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो ये जीरो है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये जो 2 है इसका क्या मतलब है, ये हमारे बता रहे हैं कि हमारी जो लाइन है किस तरह एलिवेट करेगी। अब 2 का मतलब ये है कि अगर एक्स 1 पॉइंट बढ़ जाए तो वाई कितना बढ़ेगा, वाई 2 डबल बढ़ेगा, 1-2। तो आप देखें एक्स यहाँ पे 1 है और वाई कितना ऊपर हुआ है, लाइन मतलब वाई की तरफ लाइन कितनी ऊपर हुई है, 2। अब एक्स 2 है, 1-2, तो ये लाइन कितनी बढ़ी है, 1-2-3-4 डबल बढ़ी है। इसी तरह अगर y 3 हो जाए तो ये 6 पे जाके इसका वो रुकेगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो ये पहली वैल्यू ये है y इंटरसेप्ट के, y पे कहाँ पे लग रही है, दूसरी वाली x इंटरसेप्ट है, यानी कि x के हिसाब से कितना आपकी लाइन एलिवेट करेगी। आई गेस ये मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गया होगा कि ये चीज हमें बता रहा है कि y इंटरसेप्ट की, और ये चीज हमें x इंटरसेप्ट, ये चीज y इंटरसेप्ट बता रहे, ये चीज x इंटरसेप्ट बता रहे। मल्टीप्लाई बाय माउस वेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट में माउस का साइज आ जाएगा। तो अब हम वापस उसी एग्जांपल पे जाते हैं अपनी। तो
ये हमने देखा, हमारे पास ये रिजल्ट आया कि 0.1 वाई इंटरसेप्ट है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.8 है हमारा एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि एक एक्स के बढ़ने से 0.8 हो रहा है, फिर जब एक्स टू हो जाएगा तो ये 1.6 हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारा ट्रेंड बन रहा है मल्टीप्लाई बाय माउस वेट। तो ये हमारे पास मॉडल जो है इस तरह इक्वेशन से भी आता है। अब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन बेसिकली लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है। ये देखिए हमने मशीन लर्निंग लगा भी ली और हमें पता भी नहीं चला। तो ये मशीन लर्निंग की बिल्कुल बेसिक सी एग्जाम्पल है। यहाँ पे मकसद अभी आपको मशीन लर्निंग पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है मशीन लर्निंग में। तो ये होते किस तरह, ये चल किस तरह रहे होते हैं, बड़ा सिंपल सा। यानी कि आप देखें ये क्यों इसने मशीन लर्निंग यहाँ पे कैसे हो रही है। अब आप देखें एक मिनट, यहाँ पर अगर आप देखें एक्स है इस जगह पे, एक्स मैं चाहता हूँ कि अगर माउस का वेट इतना हो तो उसका साइज क्या निकलेगा। तो इस लाइन की बेस पे हम बता सकते हैं कि इसका साइज ये होगा, क्योंकि लाइन अब हमने लगा दी लीनियर रिग्रेशन की बेस पे, तो हमें माउस का साइज बता देगा। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल्स है, ये आपको कोरिलेशन भी बताता है, ये जो है आप इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं। जैसा मैंने ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन लगाई, उससे हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बन गया। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा लाइन स्ट्रेट हो, आपके पास कभी पॉलिनोमियल किस्म की लाइन बनेगी, कभी आपके पास डिफरेंट होगी। तो ये आपके पास लाइक डिपेंड करता है आप मॉडल कौन सा यूज करें। तो यहाँ पे मकसद अभी आपको वो चीजें नहीं पढ़ाना, अभी आपको सिर्फ मॉडल का इंट्रोडक्शन देना है कि मॉडल होता क्या और ये किस लिए यूज होता है। तो जिस तरह यहाँ पे आप देखें ड्रग यूजेज के साथ हेयर ग्रोथ का कोरिलेशन बना हुआ है कि शुरू में ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है, फिर आहिस्ता जरा कम बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली एक, ये भी एक मॉडल है, आपको कोरिलेशन बता रहा है। इसके अलावा हमारे पास 3D मॉडल्स भी होते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो मॉडल है ये 3D मॉडल है, लेकिन हम ये आगे पढ़ेंगे, अभी हमें सिर्फ आपको समझाना मकसद है कि यहाँ पे ये मॉडल्स क्या होते हैं और किस लिए यूज होते हैं। अच्छा, तो अब हम समरी पे आते हैं। बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं, ये आर यूज टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप। जिस तरह हमने यहाँ पे रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया कि वेट के बढ़ने से साइज बढ़ रहा है, और इसके अलावा देयर कुड बी सिंपल 2D और 3D मॉडल्स। वी यूज स्टैटिस्टिक्स टू फाइंड हाउ वैलिड एंड रिलायबल अवर मॉडल इज। हम स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज करते हैं कि हमारा मॉडल रिलायबल है या नहीं, हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स उस पर लगाते हैं, हम देखते हैं ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है, हम चेक करते हैं कि अगर क्लासिफिकेशन की बात करें। सपोज अभी हम उसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन सिर्फ हम बता रहे हो कि स्टैटिस्टिक्स की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिससे हम मॉडल को चेक करते हैं कि कितना एक्यूरेट है। आर स्क्वेयर होता है, रूट मीन स्क्वेयर होता है, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग। तो अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, बड़ी सिंपल सी, कि जिस तरह मैंने एक इक्वेशन बनाई है पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए, कि पॉजिटिव कोरिलेशन इस समय, अब आपने क्या करना है एक नेगेटिव कोरिलेशन के लिए बनानी है, कि नेगेटिव कोरिलेशन को देखना है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी के बढ़ने से वो कम हो रही है। लाइक जिसने यहाँ पर तो वेट के बढ़ने से साइज बढ़ रहा है, आप कोई उल्टा देखें कि वेट के बढ़ने से साइज कम हो रहा हो, लाइक इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। सो अगर आपको मॉडल के अंदर कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।